हमीरपुर में शहीद के परिजनों का दर्द उस समय छलक पड़ा जब 2 साल बीतने पर भी सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। गांव दुलेहड़ा के शहीद वरुण शर्मा 2019 में सियाचिन में बीमार होने के चलते शहीद हो गए और दूसरे ही दिन सदमे में उनकी मां का भी निधन हो गया। शहीद वरुण शर्मा के परिजनों को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन सरकार द्वारा वादे पूरे न किए जाने पर मलाल भी है। शहीद की पत्नी को 2 साल से पेंशन तक नहीं लग पाए तो सरकारी नौकरी तो भूल ही जाइए। अब शहीद के परिजनों ने एक बार फिर उनकी पुण्यतिथि पर सरकार को उनके वायदों के बारे में आगाह किया है। इस लड़की को मतलब वो पेंशन लगनी थी, वो भी सारी उम्र के लिए। उन्होंने पहले लिखा था कि जितनी उसकी सर्विस है उसके मुताबिक इसको पूरी तनख्वाह मिलेगी, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। एक्स ग्रेशिय वगैरह जो कुछ भी मतलब है वो देंगे, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं। अब लास्ट में इसकी सर्विस के बारे में है, वो भी 2 साल हो गए। पहले तो इन्होंने हमसे वायदा किया था कि आप इसको वो कंप्यूटर का कुछ करवा दो, एक कोर्स करवा दो, इन्हें इमीडिएट मिल जाएगी। अब जब इन्होंने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, एक साल के बाद जब वो फॉर्म देने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपकी पहले लेटर ही कोई नहीं गई है। हमारी डिमांड रास्ते के लिए थी, वो भी अभी नहीं बना हुआ है हमारा, और जॉब के लिए है, वो भी अभी कोई जवाब नहीं आया उनका कि क्या होगा। और बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब की अपील है मेरी सरकार से कि बच्चों को भी वो मिले। शहीद परिवार के दर्द से तो सिर्फ परिजन ही वाकिफ है, लेकिन उनके इस दर्द को नेता किस तरह मौका परस्ती की तरह इस्तेमाल करते हैं ये कोई स्थानीय विधायक से सीखे। विधायक महोदय भी शहीद के घर पर पहुंचे और उनका दर्द बांटना चाहा। बहुत बड़ी कैजुअलिटी परिवार के साथ हुई थी और उन्हीं के देहांत के 2 दिन के बाद उनकी मदर का भी देहांत हुआ था। बहुत बड़ा सदमा इस परिवार को लगा है, लेकिन मैं शहीद गौरव शर्मा जी को भगवान से निवेदन करता हूँ कि इस पूरे परिवार, उसकी मदर को, उसको भगवान शांति प्रदान करे और देश की खातिर जो उन्होंने बलिदान किया है वो सदा स्मरणीय रहेगा। ऐसे ऐसे बहादुर सपूतों की भारत को हमेशा जरूरत रहेगी। अब सवाल ये है कि जब भाजपा विधायक की सरकार 4 साल से सत्ता में है तो क्यों विधायक महोदय ने एक बार भी अर्जी नहीं लगाई। 2022 से पहले अब परिजनों के घर पर उनका डांडन तो बंधाया जा रहा है, लेकिन विधायक महोदय पिछले 2 साल से इस परिवार के लिए क्यों मदद के लिए आगे नहीं आए। वहीं नेता या सरकारों ने जब शहीद परिवारों की अनदेखी ही करनी है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं आखिर किस आधार पर की जाती। जिस हिसाब से शहीद परिवार की एक नहीं सुनी जा रही तो ऐसे में नौकरी के लिए न जाने कितने धक्के खाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।